आज की वीडियो में एक एक चीज डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और विद प्राइजेस। एक कंप्लीट फिटिंग करके हमारा 10,000 रुपए का पड़ता है, 3200 रुपए की आता है फिटिंग करके 7 स्लॉट। हम महिंद्रा जेन्युइन इंस्टॉल करते हैं, कोई नहीं कि लोकल लगाते हैं। हम 17 इंच सेम टायर के अंदर हम फिटिंग करते हैं, 46,000 का आता है। रिप्लेसमेंट करवाते हैं टॉप मॉडल वाले, तो ग्लास भी चेंज हो जाएगा हमारे यहाँ पे। यहाँ से आपके मेन पता चलेगा कि महिंद्रा के ओरिजिनल है इसकी फिनिशिंग। वाटर स्प्रे आ चुका है टोटली महिंद्रा किट के साथ, आपको 7,000 रुपए में फिटिंग करके मिलने वाला है। तो ये जो सीट कवर इतनी फिनिशिंग की और इतनी फिटिंग के राज क्या है, तो ये राज है कि जय ऑटो और हमारे रोड पे आप लोगों के स्वागत है। फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हूँ एक स्कॉर्पियो N की मॉडिफिकेशन। और ये गाड़ी कहाँ से चल के आई भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये गाड़ी ज़्यादा दूर से तो नहीं, बट आसपास का ही है, सही है, दिल्ली NCR की गाड़ी है। और ये गाड़ी खुद लेकर के गाड़ी इसलिए लेकर गया कि मेरे को जय ऑटो पे ही काम करवाना है। और कल गाड़ी छोड़ कर गया था और आज हमारी मॉडिफिकेशन फाइनल हो चुका है। आज हमारी इस गाड़ी की डिलीवरी है और मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में दिखाने वाला हूँ इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हम किए हैं। आज की वीडियो में एक एक चीज़ डिटेल में आपको बताने वाला हूँ और विद प्राइजेस। तो फ्रंट प्रोफाइल से मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि देख सकते हो आप फॉग लाइट DRL, ये कंप्लीट फिटिंग करके हमारा 10,000 रुपये का पड़ता है। 7,000 रुपये का फॉग लाइट पड़ता है, बेजल वायरिंग सब चीज़ लेकर के कंप्लीट फिटिंग करके 10,000 रुपये कॉस्टिंग आता है हमारा। ये फ्रंट की ग्रिल 3200 रुपये की आता है फिटिंग करके, 7 स्लॉट 6 स्लॉट एंड अपर ग्रिल मिला करके हमारा ये 3200 रुपये का आ जाता है। अब आगे हमारी हेडलाइट LED की बात, तो हेडलाइट की LED बाजार में आपको 2500 रुपये से स्टार्टिंग मिल जाएगा, बट अगर अच्छी क्वालिटी का आप लेते हैं तो इसका स्टार्टिंग रेंज 5,000-5500 रुपये से आता है। तो LED के मैंने आपको बता दिया कि 5,000-5500 रुपये से हमारा स्टार्ट होता है। और जैसे कि मैंने आपको ग्रिल बताया, फॉग लाइट बताया, टोटली हमारा महिंद्रा जेन्युइन है। बाजार में अगर आपको रेट कम मिल रहा है, 7,000 रुपये फॉग लाइट में कंप्लीट फिटिंग मिल रहा है, 5500 रुपये मिल रहा है, तो डुप्लीकेट मिलेगा। इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जय ऑटो आज के टाइम में अगर स्कॉर्पियो का किंग कहलाता है तो इसलिए कहलाता है क्योंकि महिंद्रा जेन्युइन पार्ट आपको अवेलेबल करके देता है, इसलिए कहलाता है। तो आते हैं हम अगली चीज़ों पे। हमारे नीचे की स्कीड थ्री लेयर पेंट हो गया, ये महिंद्रा जेन्युइन नहीं होता, ये हम उसी पार्ट पे 3 लेयर पेंट करते हैं, सही है। तो फ्रंट प्रोफाइल हमारा हो गया। तो ये था फ्रंट प्रोफाइल और क्या लुक निकल गया है, आप एक बार जूम आउट करके देख सकते हैं। और प्रॉपर जो भी काम हुआ इसके अंदर, ये महिंद्रा जेन्युइन का काम हुआ। ये तो हमारा फ्रंट प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। अब हम दिखाते हैं आपको साइड प्रोफाइल, और वो भी एक एक चीज़ महिंद्रा जेन्युइन चीज़ आपको कंप्लीट बताता हूँ चलूँगा। जैसे बम्पर कॉर्नर, ये भी हम महिंद्रा जेन्युइन इंस्टॉल करते हैं, कोई नहीं कि लोकल लगाते हैं हम, सही है। इसको लगाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि गाड़ी हमारी कॉर्नर कटिंग में स्क्रैच ना आए, इसलिए हमें लगाते हैं। अब आते हैं अलॉय व्हील, 17 इंच सेम टायर के अंदर हम फिटिंग करते हैं और इसकी फिटमेंट देख सकते हो प्रॉपर। ये अंदर हम रेड कैलिबर भी पेंट करके दिए हैं। और ये अगर आप पूरी गाड़ी हमारे पास 0-2 टॉप करते हैं तो 46,000 का आता है। अगर आप 2-4 काम करवाने आते हो तो 51 की रेंज आता है। तो जैसे कि मैं आपको अलॉय व्हील के प्राइस भी बता दिया कि 46 पूरी कंप्लीट गाड़ी पे आता है। बाजार में लोग आपको 40,000-42,000 रुपये रेट कोट करेगा, बट वो होता है गाड़ी के उतरी हुई अलॉय या फिर लोकल। कभी भी इसकी जेन्युइन की क्वालिटी हमेशा अलॉय की बैक साइड में जाकर महिंद्रा लिखा हुआ देख करके लीजिए। और अगर कहीं फिटिंग हो तो फिटिंग किया हुआ अलॉय व्हील का क्या पहचान होता है मैं दिखाता हूँ। आप अपनी अलॉय व्हील के बैक साइड में आना और यहाँ पे फिटिंग देखना, इस चीज़ों पे यहाँ पे जंग लगा हुआ होगा तो आपको पुराना अलॉय उतरा हुआ देगा। हमेशा रेट डाउन करके पुराना बाजार में लोग लगा कर देता, हमारे यहाँ पे आपको डब्बा पैक मिलेगा जो भी मिलेगा, सही है। तो अलॉय व्हील हम बता दिए। अब हमारा मड फ्लैप, इसकी फिटिंग भी देख सकते हो मार्केट में आपको मिलने को मिल जाएगा, बट ऐसे फिटिंग मेन होता है फिटिंग की क्वालिटी, फिटिंग और फिनिशिंग ये चीज़ नहीं मिलेगा बाजार में। साइड के फुटरेस्ट अगर कंप्लीट काम करवाते हो आप तो 5,000 रुपये का फिटिंग करके देंगे आपको। नीचे स्कीड सिल्वर देख सकते हो, इसकी फिनिशिंग बाजार की फिनिशिंग और हमारी फिनिशिंग में आप देख सकते हो एक एक चीज़ की डिटेल कितनी प्यारी फिटिंग है। डोर हैंडल, ये 5,500 रुपये की डोर हैंडल आपको मिलने वाला है, 5 डोर हैंडल, सही है। लोअर गार्निश क्रोम महिंद्रा जेन्युइन, ये 4 पीस रिप्लेसमेंट और सी गार्निश, 2200 रुपये का आपको सी गार्निश आने वाला है, 4,000 रुपये का आपको चारों डोर की रिप्लेसमेंट पार्ट आने वाला है महिंद्रा जेन्युइन। बाजार में लोकल आ चुका है, इस चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना, पहले तो नहीं आता था बट अब आ चुका है। ये रूफ रेल महिंद्रा ओरिजिनल की गारंटी है कि इसको पकड़ के झूल जाओ, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बड़ी बात होता है इसकी लीकेज की दिक्कत, वो नहीं आएगा,
फिटिंग करके 5500 रुपये में, साइड मिरर महिंद्रा ओरिजिनल की गारंटी प्रॉपर फिटिंग करके आपको 11500 रुपये के मिलने वाला। और इसकी मैं आपको दिखाता हूँ चालू करके, ये हमारी हो गया। अब मैं चाबी से भी दिखाता हूँ करके, लॉक अनलॉक, ये हमारा प्रॉपर वर्किंग है। चाबी हम महिंद्रा के बना करके दिए हैं, देख सकते हो आप, 4000 रुपये में प्रॉपर महिंद्रा की चाबी मिलेगा आपको, और कोडिंग काउंटर पे होगा, ये नहीं कि गाड़ी कहीं भेजना होगा। तो ये तो मैंने आपको चालू करके दिखा दिया, और इसकी फिटिंग और फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल महिंद्रा टॉप मॉडल में जो लग गया था वही चीज़ है, ये नहीं कि हम अलग से कुछ लगाते हैं, बिल्कुल टॉप एंड में जो इसके लग्जरी में आता वही वाली मिरर होता है, वो हम मंगवा करके लगाते हैं। तो ये हम दिखा दिए, इसकी फिटिंग देखो, ये बिल्कुल टॉप मॉडल वाली फिटिंग है, बस ए पेस्टिंग है अलग से, ये अगर रिप्लेसमेंट करवाते हो टॉप मॉडल वाली तो ग्लास भी चेंज हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ये तो हो गया हमारा साइड प्रोफाइल की सारी चीज़ दिखा दी, और इसकी पूरी लुक एक बार आप देख सकते हो कि कितनी लुक प्यारी लग रही है इसकी, बिल्कुल जेड एट की लुक निकल के आ रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल जे ऑटो पे आना, आपको महिंद्रा के काम करवाना हो तो। अब दिखाता हूँ आपको बैक प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल हमने इसको किस लेवल पे लेके गए वो भी आपको एक एक डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ। तो बैक प्रोफाइल में आते ही हम दिखा रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्पॉइलर, जो महिंद्रा जेन्युइन हमने प्रॉपर फिटिंग करके दिए, और इसकी फिटमेंट यहाँ से चेक करेंगे आप, इधर देख सकते हैं कॉर्नर, यहाँ से आपकी मेन पता चलेगा कि महिंद्रा की ओरिजिनल है इसकी फिनिशिंग। अगर आप बाजार से लेते हैं तो लोकल मिलेगा आपको, इस चीज़ों का ध्यान रखना है, सही है। ये हमारा वाइपर एक्टिवेट हो गया, अभी मैं आपको चालू करके भी दिखाऊंगा विद वॉशर। हैंडल टॉप मोटर वाली चेंज हो चुका है, महिंद्रा ओरिजिनल, ये भी महिंद्रा ओरिजिनल, ये भी महिंद्रा ओरिजिनल। कैमरा हमारा ब्लोपंग का लग चुका है, बम्पर की क्रोम महिंद्रा ओरिजिनल रिप्लेसमेंट पार्ट, और ये हमारी 3 लेयर पेंट के साथ ये पार्ट हमने लगाए हैं। 4 एक्सप्लोर की बैजिंग यहाँ पे लगा दी है, और एक इधर एड्रेनोक्स ये हमने फिट कर दिए, और ये भी महिंद्रा के पार्ट आता है एड्रेनोक्स का पार्ट। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वाइपर एक्टिवेट करके, जो इसका वर्किंग कैसे आता है, ऑटोकट किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो किस तरीके से हमारा वाइपर चालू हो चुका है, और वाटर स्प्रे, ये वाटर स्प्रे आ चुका है, वाटर स्प्रे बंद हो गया, और ऑटो कट फंक्शन जैसे मैंने बंद किया अपनी जगह पे जाके रुक गया, तो इसे कहते हैं ऑटो कट फंक्शन। और ये टोटली महिंद्रा किट के साथ आपको 7000 रुपये में फिटिंग करके मिलने वाला है, 6500 रुपये महिंद्रा ओरिजिनल मिलने वाला है, और आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो 3500 से 4000 रुपये में आ जाता है, चीज़ ध्यान रखना आपको बाजार में। ये हो गया हमारा बैक प्रोफाइल, और बैक प्रोफाइल एक बार आप देख करके कमेंट जरूर करना कि इस गाड़ी की ओवरऑल बाहर से लुक, हमने टॉप मॉडल बनाने की कोशिश की, अगर अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप कमेंट में नाइस जरूर लिखना। तो जैसे कि मैंने आपको बाहर से पूरी ओवरऑल दिखा दिया, टॉप मॉडल बना करके दिखा दिया, Z2 आया था और Z8 बना करके दिखा दिया, एक डीप फोकर की कमी रह गया, भैया को नहीं चाहिए था। किसी भी भाई को Z2 अगर लेकर के आते हैं जो ऑटो पे टॉप मॉडल लेकर के जाना हो तो आपको आना होगा रामा रोड वाली शॉप पे, सही है। अब आपको दिखाते हैं हम अंदर, अंदर किस लेवल पे काम किया है। ऐसे जे ऑटो महिंद्रा मॉडिफिकेशन का किंग नहीं कहलाता है, और किंग कहलाता है तो क्यों कहलाता है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो इसलिए कहलाता है। एक बार आप 360 में दिखा दो पूरी व्यू कैसा निकल के आ रहा है, ओवरऑल सीट कवर की फिनिशिंग एक चीज आप देख सकते हैं, बैक सीट की फिटिंग दिखाता हूँ आपको किस तरीके का हमारी बैक सीट की फिटिंग है, देख सकते हो आप एक एक चीज की सिलाई, कॉर्नरिंग, बिल्कुल यहाँ की फिटमेंट, और अंदर की आर्मरेस्ट, अंदर की आर्मरेस्ट भी दिखाता हूँ आपको, और अंदर की बिल्कुल फिटमेंट। ये होता है जय ऑटो की वर्किंग, इस तरीके से हमारे यहाँ पे काम होता है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ भी लेकर के सीट को लगा दिया, नाम के सीट को नहीं लगता है जो ऑटो भी, इसीलिए इतना भीड़ नहीं लगता, इस भीड़ के कारण है यहाँ के काम की क्वालिटी और फिनिशिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक पार्ट से। तो जैसे कि हमारे सॉफ्ट टच आप चेक कर सकते हैं, इसकी स्टिचिंग कितनी प्यारी है, हमने इस कलर की डिप भी कर दी है इसको, इधर ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है, ये डिप है और ये सारी डिप है, और स्विच भी रिप्लेसमेंट पार्ट है। ये हमारा पूरी लुक कितना प्यारा लग रहा है आप देख सकते हैं विद ट्यूटर। अब एंट्री करते हैं अंदर, तो एंट्री पे लगाए हमने वेलकम लाइट, और साथ ही GFX के मैट हमने डाल दिया, जो देख सकते हो कितनी नीट एंड क्लीन फिनिशिंग आ रहा है इसके अंदर।
इस इंटीरियर के ऊपर अगर हम GFX मैट डालते हैं तो इसकी क्वालिटी अलग ही निकल के आता है। और ये जो GFX मैट है प्रॉपर इसी गाड़ी की है, प्रॉपर आप डाई टू देख सकते हो, फिटिंग टू फिटिंग, ये कोई यूनिवर्सल नहीं है। बाजार में आपको यूनिवर्सल बहुत मिल जाएगा, कभी भी कम कॉस्टिंग आते ही बाजार में यूनिवर्सल मैट बिकना चालू हो जाता है, इस चीज़ों से आपको बचना है। सही है, अब हम शुरुआत करते हैं स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग इसकी कितनी प्यारी है कमेंट में आप जरूर लिख करके बताना, अगर अच्छी लगी हो तो। किसी भाई को करवाना हो तो जयोटो रामा रोड आपको आना होगा। हमारे बटन चेंज हो गया, ये होता है सुबी 700 लग्जरी मॉडल वाला, ये कोई आपका इसके टॉप मॉडल में नहीं आता, ये थोड़ी हम डिफरेंट गाड़ी के डालते हैं। मीटर हमने ये पियानो कर दिए, ये देख सकते हैं आप, हमारे स्टूडियो की फ्रेम पियानो कर दिए, ये पियानो हो गया हमारा, साइड की लेदर रैपिंग हो गया, ये सॉफ्ट टच हो गया, सनग्लास होल्डर लग गया, प्रॉपर वर्किंग के साथ है। बस ये वाली बटन आपको काम नहीं करेगा क्योंकि सनरूफ नहीं है इसके अंदर। सही है, ये पिलर हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं दोनों तरफ, देख सकते हैं आप। और सबसे चीज़ इस गाड़ी के अंदर अगर अंदर हटके है तो है सीट कवर। एक रिंकल्स आप इस गाड़ी के अंदर दिखा दो, हम चैलेंज करते कि एक रिंकल नहीं दिखा सकते आप, पूरी आगे से लेकर पीछे तक पूरी व्यू एक बार दिखा दो। हम लोग क्या करते हैं कि वीडियो तो दिखा बनाते हैं बट सीट कवर की क्वालिटी एकदम से नहीं दिखाते, एक कैमरा ऐसे घुमाते हुए एकदम से आ जाते हैं, तरीके से कैमरा स्टेबल करके नहीं दिखाते। आप कैमरा स्टेबल करके एक एक चीज़ दिखा सकते हो, हेडरेस्ट की भी फिटिंग, कॉर्नर टू कॉर्नर इधर फिटिंग दिखा सकते हैं आप। तो ये जो सीट कवर इतनी फिनिशिंग की और इतनी फिटिंग के राज क्या है, तो ये राज है कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सीट कवर है। और इस रेंज में सीट कवर मिलता है ना आपको बाजार में 15-16 हज़ार रुपये में सीट कवर आराम से मिल जाएगा, 12 में भी मिल जाएगा, बट ये क्वालिटी नहीं मिलेगा। इसी के आजू बाजू के रेट है, बट ये चीज़ मैं कह रहा हूँ एक बार अगर आप गाड़ी में लगवा लिए तो मैं कह रहा हूँ जब तक आपकी गाड़ी है जब तक आप दोबारा सोचोगे नहीं सीट कवर बदलने के लिए। तो ये सारे काम अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप जेऑटो पे आइए, सीधा Z2 लेकर और Z8 बनवा करके जाइए। कोई भी स्कॉर्पियो बेस मॉडल हो, स्कॉर्पियो क्लासिक हो, स्कॉर्पियो N हो, कोई भी मॉडल हो आप लेकर के आइए और बिल्कुल टॉप बनवा कर जाइए। और इस लेवल के काम के लिए तो बिल्कुल आपको जोटो जाना होगा, बाजार में आपको इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको सारी गाड़ी के काम दिखा दिया, कोई भी स्कॉर्पियो वाले भाई हो, कोई भी मॉडल हो, लेकर के आपको आना है जोटो पे और एक बंद सेट के अंदर काम करवाना है। काम तो हर कोई करता है पर एक प्रीमियम काम कोई नहीं करता। अगर प्रीमियम काम करवाना हो तो आपको यहाँ पर आना होगा जोटो पे और इस तरीके से काम करवा करके लेके जाना होगा। तो गाइस कस्टमर आ चुका है डिलीवरी लेने, भैया को काम पूरा हमने चेक करा दिया, इन्होंने पूरी गाड़ी चेक कर ली है, अब इनसे पूछते हैं कि काम इनको कैसा लगा। तो सर आपको काम कैसा लगा? काम बढ़िया एकदम, जेन्युइन एक नंबर, पूरा एक एक चीज आप चेक किए? सब बढ़िया, एक एक चीज चेक, थोड़ा सा लेट जरूर हुआ होगा, 3-4 घंटे आपने लेट कर दिया लेकिन काम बढ़िया हुआ। काम की फिनिशिंग देना होता है, बिल्कुल संतुष्ट हूं, बिल्कुल काम से संतुष्ट हो? बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। जब बोल रहा हूँ और कोई दोस्त यार को अगर रिकमेंड करना हो तो बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल करूंगा। तो भैया आप आए कहाँ से थे? मैं हूँ दिल्ली जाफराबाद से। दिल्ली जाफराबाद से? अच्छा, मैं वही कह रहा था ना, दिल्ली NCR है, दिल्ली के आजू बाजू के ही है। तो दिल्ली से सादरा से आए हैं जाफराबाद से। तो आपके कोई भी दोस्त यार हो फैमिली में किसी को रिकमेंड करोगे? मैंने रिकमेंड करूंगा और प्लस जो बाहर आपके क्लाइंट है मैंने उनको भी ये बोला है, मैंने यही कराऊंगा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल काम बिल्कुल पसंद आया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो अगर रेटिंग की बात करें आपसे 10 में से कितने रेटिंग मिलेगा? 9.5 आधी रेटिंग इसलिए है क्योंकि लेट टाइम बहुत लगाया, थोड़ा सा लेट हुआ तो इतना तो कटना भी जरूरी होता है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जो वीडियो में बताते वही रेट मिला? नहीं मिला, जो रेट आपने वीडियो में बोले वही रेट, और अलग से डिस्काउंट और थोड़ा प्यार भी करा, थोड़ा सा प्यार भी मिला। तो ठीक है, ठीक है, मैं दुआ करता हूँ कि आप 2-4-5 महीने में इसी तरीके से गाड़ी लेते रहो और हमारे पास आते रहो।